उत्तराखंड के केदारनाथ में 2000 हजार श्रद्धालु फंसे हुए हैं केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने से मची भारी तबाही के बाद यात्रा को भी रोक दिया गया है केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया है केदारनाथ पैदल मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं का सुबह से रेस्क्यू किया गया हेलीकॉप्टर से भी कुछ श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया बड़ी लिंचोली में एनडीआरएफ डी जवान श्रद्धालुओं को निकालने में जुटे रहे केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर गौरीकुंड और सोनप्रयाग निंचोली में आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया